कौन है तुम? नाम क्या है तुम्हारा? पहले तू बता। कहाँ के रहने वाले हो? नदी के उस पार रहता हूँ, मेरी एक नाव है। मैं यहाँ मिल में काम करता हूँ और लोगों को आटा बांटने आया था, और मैं तब से यहाँ अटक कर रह गया हूँ। लगता है पुलिस आने वाली है, अगर इन दंगों से बच गए तो पुलिस की गोली से मरेंगे। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें मरना है क्या? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ इस अंधेरी जगह पे बैठा रहूं जब तक कि वो लोग आके हमें मार नहीं देते? मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। क्या पता तुम अपने लोगों को लेके मुझे मारने ही आ जाओ। क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहा हूं मैं। अगर तुम यहां से चले गए तो मैं अकेला फंस जाऊंगा। जल नहीं रहा है यार। या अल्लाह, तुम? हाँ, मैं मुसलमान हूं। तो क्या तुम एक हिंदू हो? तुम्हारे बैग में क्या है? हथियार नहीं है भाई, नए कपड़े हैं बीवी और बच्ची के लिए। ओह, कल ईद है ना? क्यों, हो गई तसल्ली? हाँ। किसी को मालूम ही नहीं ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं। तुम ही लोगों ने तो किया है। तुम लोगों ने का मतलब? दंगे हिंदू मुसलमान नहीं देखते, लोग तो दोनों तरफ से मरेंगे, पर उन्हें मारने से क्या मिलेगा? थोड़े लोग तुम्हारे तरफ से मारे जाएंगे और थोड़े लोग हमारे तरफ से। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, या तो तुम मरोगे या मैं, और हमारे बीवचों को भीख मांगना पड़ेगा। पिछले बार इन्होंने मेरे भाई को 4 टुकड़ों में काट दिया था, उसकी बीवी विधवा हो गई और उसके बच्चे मेरी जिम्मेदारी। हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा इस देश में तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे मेरी नाव मिलेगी कि नहीं, अब तक तो डूब गई होगी। वो हिंदू पंडित मुझे हमेशा 100 रुपए देता था और मुझे सब मिला के 300 मिलते थे। क्या वो पंडित आएगा मेरे नाव के पास?
ये सब के बाद लगता है कोई आने वाला है। हमें यहां से भागना पड़ेगा, पर मुझे रास्ता नहीं पता। एक काम करते हैं, हम नदी के उस पार चले जाते हैं, वहां लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे, पर हमें यहां से बच के निकलना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे बैग, अरे चलो छोड़ो मेरा बैग। नदी करीबी है, मैं अगर आगे जाऊंगा तो घाट पहुंच जाऊंगा। पर हम वहां तक जाएंगे कैसे? तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा, घाट तक जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये हिंदू जगह है और वो मुसलमान। जब तुम सुबह उठोगे तब तुम अपने घर चले जाना। पर तुम कैसे जाओगे? हाँ हाँ, मैं आगे जा रहा हूं, मैं इधर ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। पिछले 7 दिनों से अपने लोगों का कुछ नहीं सुना, बस अल्लाह ही जानते हैं उनका क्या हुआ। अगर मैं घाट तक पहुंच भी जाऊंगा और मुझे मेरी नाव नहीं मिली, मैं तैर लूंगा। अरे क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे जाओगे? मुझे जाना ही होगा, कल ईद है, इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मेरे बच्चों ने अब तक चांद को देख लिया होगा, मुझे जाने दो। और मेरा बैग भी लेके जाना है। अगर तुम पकड़े जाओगे तो? वो नहीं पकड़ पाएंगे, डरना मत, इधर ही रुको, उठना नहीं। मैं जा रहा हूं, मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता। अगर अल्लाह चाहे तो हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। देख रहे हो? देख देख चल 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 चल।